कर रही हैं। इंशाल्लाह।
यार ये पीछे हो जाना भाई, थोड़ा पीछे हो जाना, वो क्या कह रहे हैं यार, तू पीछे कर यार,
एक इदारा है जो एड देता है पाकिस्तान में, जो ग्रांट देता है पाकिस्तान में, जो लोन देता है पाकिस्तान में, वो किस लिए देता है? ताकि तालीम, सेहत, बच्चे, बेवाएं, बूढ़े, इन सब की मदद हो सके। और वो आपके टैक्स पेयर का पैसा होता है। ये एक इतना बेशरम आदमी है, ये इतना बुग़्ज़, हसद और तकब्बुर में मुबतला आदमी है कि इसने उस ग्रांट के खिलाफ खबर लगाई। और आज अल्लाह ताला के फज़ल व करम से जिस इल्जाम की जो इल्जाम लगाया, उस इल्जाम से आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत सुस्त हुई। और जो इल्जाम लगाया, कहता था मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, फॉरेन एजेंट खुद पकड़ा गया, कहता था बाहर से पैसे खाते हो, ज़कात के पैसे चोरी करते हो, पकड़ा। तोशाखाना का इल्जाम लगाया नवाज शरीफ पे, तोशाखाना की घड़ियां चोरी करके चला, दूसरों पर इल्जाम लगाया। फिर कहता था कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ना पाकिस्तान की किसी अदालत में और ना बरतानिया की किसी अदालत में कोई सबूत नहीं दे सका। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ की बेगुनाही का फैसला लिया कि ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ना कोई करप्शन हुई है, और हर पैसा उन्होंने अमानत समझकर इस्तेमाल किया है। इसी तरह डेली मेल ने कल माफी मांगी शहबाज शरीफ से, ये माफी 22 करोड़ अवाम से डेली मेल ने मांगी। और आज पाकिस्तान सुर्खरू है, इसने घड़ियां बेच के पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम किया। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि आपके कायदीन, आपकी जमात, आपका कायद के ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ाम इमरान खान ने लगाए हैं, और जो इमरान खान की आज भी बात सच समझते हैं, उनके लिए इमरान खान खुद कहता है कि वो भेड़ और बकरियां नहीं हैं, आपका चेहरा उनके सामने भी बेनकाब हुआ है। पूछते हो कि गैस क्यों नहीं है, तो जवाब तुमने देना है कि गैस इसलिए नहीं है कि $3 पे जब गैस बिक रही थी तो तुमने खरीदी नहीं, क्योंकि तुम्हारा माफिया जो बिजली के मंसूबे हैं वो फर्नेस ऑयल पे चलाता था। पूछते हो महंगाई क्यों है, हम तो जब थे, नवाज शरीफ जब था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब थी, तो महंगाई तो 9% पे थी। तुम 4 साल वो गंद डाल के गए, वो माशी तबाही करके गए, वो बेरोजगारी करके गए कि आज 6 महीने में दिन रात सुबह दोपहर शाम सिर्फ शहबाज शरीफ को एक ही सोच है कि मैं महंगाई कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे रोजगार दूँ। जब हम आए तो 2018 में कहते हैं लोड शेडिंग हो रही है, अभी बात करता है, लोड शेडिंग हो रही है 2018 में 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करके सिर्फ लोड शेडिंग, आप जानते हैं ना, आप गवाही देंगे। पूछता हमसे जब हम आए तो 9 बिजली के मनसूबे बंद पड़े, ये जवाब तुमने दे लिए इमरान खान, ये चोरियों के फॉरेन एजेंट, ज़कात के पैसे खाने के, कोशाखाना चोरी के, बीआरटी चोरी के, दरख्तों के पैसे खा गया, दरख्तों के पैसे खा गया, इसने मुल्क के खजाने को परचून और कारोबार बनाया हुआ था, इसको जवाब देना पड़ेगा। और जिस जिस से मुल्क का पैसा लूटा है, जिस से मुल्क का पैसा खाया है, नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा कल के वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, और इंशाल्लाह होगा। और आखिर में मेरे साथ आप सबके जरिए मैं शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ, राणा सनाउल्लाह साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ, एसएल इकबाल साहब जो कि उनका भी फैसला बरियत का आ चुका है, उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ, और इंशाल्लाह जिन पर झूठे इल्जाम लगाए वो सब बहुत जल्द अदालतों में अपने सबूत नहीं दे सका और इल्जाम लगाता है, तो उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ और आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और पिंडी वालों, बाजी ले गया।
मरियम औरंगजेब वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। उनकी जानिब से कहा गया, हम अपने कायद का शानदार इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ पर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद और झूठे साबित हुए। नवाज शरीफ ने मुल्क को मोटरवेज बनाकर दी, लोड शेडिंग का खात्मा किया, दहशतगर्दी का खात्मा किया। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई की शरह 2.3% थी। आवाम का इज्तमा इस बात का सबूत दे रहा है, शेर आ रहा है। नून लीग ने मुल्क में कारखाने लगाए, लंगर खाने नहीं लगाए। मजीद इनकी जानिब से कहा गया, नवाज शरीफ ने रोजगार देने के लिए नौजवानों को सी पैक लगाया था। जब भी इनसे सवाल पूछे तो इनकी सांस बंद हो जाती है।